जिला सोलन के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सूचना शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है। जल्द ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुलने जा रहे हैं, जिसके तहत प्रथम चरण में जिला में 1 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन विभाग द्वारा स्कूल प्रबंधन के समक्ष कुछ शर्तें रखी हैं और शुरुआत में कुछ कक्षाएं ही लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। ग्रीष्म और शीतकालीन स्कूलों के लिए अलग अलग तिथि निश्चित की गई है। ये निर्देश उच्च शिक्षा संयुक्त सचिव ने जारी किए हैं। इस खबर से कई महीनों से घर पर बैठे बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। स्कूलों में 27 तारीख से अध्यापकों को आने की अनुमति प्रदान कर दी गई, वहीं 8 फरवरी से महाविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। 1 फरवरी से ITI पॉलिटेक्निक खुल सकेंगे। उच्च शिक्षा उपनिदेशक योगेंद्र मखैक ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल 1 फरवरी से खुल जाएंगे, वहीं शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल 15 फरवरी से खुलेंगे। अभी स्कूलों में केवल 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षाएं ही लग सकेंगी। मास्क और 2 गज की दूरी अनिवार्य होगी। शिक्षण संस्थानों को सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। बच्चों को घरों से ही पानी लाने की सलाह भी दी जा रही है। शौचालय और पानी पीने के स्थानों पर ज्यादा भीड़ ना हो, ये भी स्कूल प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे वो पहली तारीख से ग्रीष्मकालीन सत्र के बच्चे विद्यालयों में नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए विद्यालयों में आएंगे। गाइडलाइन 27 तारीख से तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो ले डाउन किया है, जैसे सैनिटाइज करना, उचित दूरी बनाए रखना, ये सब इन चीज़ों के बारे में एक एक्सरसाइज करेगा स्कूल अपनी, और जब वो एक बार स्कूल खुल जाएंगे तो उसका पालन करते हुए विद्यालयों में वो काम जारी हो जाएगा। और सर, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स को अनुमति दी गई है आने के लिए? नहीं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट स्ट्रेंथ के बच्चे हैं। एक समान स्ट्रेंथ किसी भी स्कूल में नहीं है, और एक समान जो कमरों की व्यवस्था है वो भी नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय जो है अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे, और उसी के अनुपालना में वो अपना काम करेंगे। कोई विशेष नहीं है, कुछ जनरल बातें हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी, क्योंकि एक साथ वहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, इसका ध्यान रखा जाएगा। और ख़ास करके लंच आवर्स पर भी कोशिश ये रहेगी कि एक साथ सब बच्चों को एक जगह सम्मिलित ना किया जाए। खास करके मेरा तो ये निवेदन भी रहेगा, मैंने बल्कि सभी मैंने अपने कार्यालय में बताया कि सभी स्कूलों को ये दिशा निर्देश भी दें कि पानी पीने के लिए एक जगह सब लोग बच्चे जनरली इकट्ठे होते हैं। अगर बच्चे अपनी पानी की बॉटल खुद कैरी करके घर से लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एक जगह जो है जमावड़ा बच्चों का नहीं लगेगा। और जहाँ कहीं भी लगता है कि ये इकट्ठे हो सकते हैं, या क्लासेस से एक क्लासेस से दूसरी क्लासेस में शिफ्ट होने में एक साथ रश लग सकता है, वहाँ पर शिक्षकों को अध्यापकों को खास ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि वो जो है जो फिजिकल डिस्टेंस है वो एक उचित दूरी बनी रहे।